अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक और आप देख रहे हैं टेक्निकल मुश्ताक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो फेसबुक पे वीडियो स्टोरी अपलोडिंग के बारे में होने वाली है कि हम अगर लॉन्ग वीडियो स्टोरी फेसबुक पे अपलोड करते हैं अपने कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से, तो ये भी मैं साथ में कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर यूज़र इस वीडियो को देखे और लैपटॉप यूज़र देखे, बाकी अगर कोई मोबाइल वाला है तो वो इधर पर ही इसको स्किप करे, क्योंकि कंप्यूटर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता वीडियो स्टोरी क्रिएट करने का। फ़ोटो स्टोरी भी होता है और टेक्स्ट स्टोरी भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो स्टोरी का ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप में हमें नहीं मिल रहा। तो इसके लिए फ्रेंड आप लोगों को मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बताया था, मेमू प्लेयर नाम से एक एमुलेटर है, मेमू प्ले एमुलेटर, इसको डाउनलोड करना है। बाकी जितने भी एमुलेटर्स है उसके ऊपर ये काम नहीं करता, इसको ट्राई मत करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। इसको मैंने इधर पे आप देख सकते हैं मेमू प्ले एमुलेटर जो है उसको मैंने इंस्टॉल किया है, और इसके अलावा इसकी जो डिटेल्स वीडियो मैंने बनाई है वो भी ऊपर आई कार्ड में आप देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्लेयर को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से फेसबुक और मैसेंजर को डाउनलोड करें। इधर पे मैंने डाउनलोड किया इसी तरीके से। तो फ्रेंड फेसबुक और मैसेंजर को डाउनलोड करने के बाद अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो फ्रेंड इसका एक वाहिद हल यही सॉफ्टवेयर है, अभी इस मैसेंजर को खोलें, फेसबुक में ना जाएं, ठीक है ना, इधर पे नहीं, इस मैसेंजर में जाएं। मैसेंजर में मैं गया, मैसेंजर में आप किसी भी फ्रेंड के जो प्रोफाइल है उसमें जाएं, किसी को इधर से सर्च करें और उसके इनबॉक्स में जाएं। इस तरीके से इनबॉक्स में जाने के बाद मैंने उसमें एक सेटिंग आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर ये फोल्डर ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस फोल्डर ऑप्शन से यहाँ पर ये वीडियो का पाथ आपने सेलेक्ट करना है, ये आप देख सकते हैं ना, मैंने डेस्कटॉप किया है। इधर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर आप देख सकते हैं, दिस पीसी डेस्कटॉप माय वीडियोस नो एटम मैचेस, ये सिर्फ फोल्डर को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया, और ये फोल्डर कहाँ पर है, फोल्डर ये है, इसमें लॉन्ग वीडियो मेरे पास क्या है, फोल्डर में इधर पर वीडियो पड़ी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो की लेंथ, आप देख सकते हैं 5 मिनट 17 सेकंड इसकी लेंथ है, इसी को मैं अभी अपलोड करने वाला हूं। तो फ्रेंड यहां पर इधर से मैं बैक हो चुका हूं, इसकी जो सिस्टम है उसको मैंने पहले फोल्डर को सेटअप किया है, और इधर पे नीचे यहां पर ये बटन आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली इधर पर आपके सामने वीडियो नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट 18 सेकंड की वीडियो है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस एडिट के ऊपर क्लिक करें। एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास वीडियो प्ले हो गई है। अभी इधर पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उसको मैसेंजर में जाएगी, ये आपकी स्टोरी के ऊपर अपलोड नहीं होगी, ठीक है ना। और इससे पहले आपने इधर पे क्लिक करना है यूअर स्टोरी के ऊपर, यूअर स्टोरी के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 24 घंटों के लिए विजिबल और मैसेंजर एंड फेसबुक फॉर 24 आवर, तो इधर से ऐड करें, ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया और एडेड टू यूअर स्टोरी, एडेड टू यूअर स्टोरी, और अभी इसको सेंड करें अपने एक दोस्त को। इधर पर जब आपके दोस्त को ये वीडियो सेंड हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने इधर पे फेसबुक में जाना है, इधर से फिर चेक करना है। अभी इसकी अपलोडिंग इधर पे स्टार्ट है, मेरे पास नेट का इशू है, नेट स्लो है, नेट काम नहीं कर रहा सही तरीके से, मोबाइल से इसको मैंने अटैच किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल रियलमी प्रो 5 का मोबाइल है, इससे मैंने अटैच किया और इसको मैं स्केप कर रहा हूँ। इधर पर अपलोडिंग शुरू है और इधर पर जब टेक नज़र आएगा उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी मैं वेट करता हूं और आप लोग भी वेट करें, नेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो थी वो अपलोड हो चुकी है, सेंड हो चुकी है उस हमारे दोस्त को, और यहां पर नीचे आप देख सकते हैं टैग का निशान नज़र आ रहा है। अभी इसको बंद करें इधर से और अपने फेसबुक में जाते हैं, इसको इधर से रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी इसके ऊपर वर्क जारी है, अभी इधर पर भी थोड़ा सा वेट करना होगा, इसको मैं बंद करता हूँ इधर से और फेसबुक में दोबारा जाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो स्टोरी थी इधर पे अपलोड हो चुकी है, लेकिन अभी इसका जो
साइज सॉरी वो टाइम है वो आप देखते हैं कि कितने मिनट के। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये इस जगह पे कितनी जो ड्यूरेशन है इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर से इस फेसबुक में अभी मैं इधर पे चेक करता हूँ कि ये इधर पे आई है कि नहीं। इधर पे भी आप देख सकते हैं हमारी जो स्टोरी थी वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और इसका साइज़ भी आप इधर से ऊपर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से लॉन्ग वीडियो स्टोरी हम कंप्यूटर के ऊपर शेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है कंप्यूटर के ऊपर। तो इसी इमुलेटर को लाजमी इंस्टॉल करना है। लास्ट में मैं फिर भी आप लोगों को बताने वाला हूँ ठीक है ना। अगर ये इमुलेटर हमने इंस्टॉल नहीं किया है तो ये जो सिस्टम है जो फेसबुक का तो इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास बाकी नहीं है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।